मजबूत कर रही है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी मैं सुनील जी, जब हम लोग व्यवसायी वर्ग की बात करते हैं, ख़ास तौर पे एमएसएमई, उनके सामने जो दिक्कतें आती हैं, क्या उन दिक्कतों को डील करने के लिए आज हमारी सरकार तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और मुझे लगता है कि पहली बार पिछले 60-65 साल में किसी सरकार ने यह सोचा है कि व्यवसायियों को सहूलियत दी जाए। आज की डेट में 37 इंडस्ट्री वाइट इंडस्ट्री हैं, जिसमें कि इन्वायरमेंट की कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। okay. क्योंकि हमारे देश में उसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता था। इसी प्रकार से यदि आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पहले परमिट 5 साल के लिए मिलता था, सरकार ने 7 साल के लिए कर दिया कि आप 7 साल अवधि बढ़ाई जा रही है, ताकि आपको जो काम करना है उसमें आप और डिवोशन के साथ काम करें। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, कुछ ऐसे कानून हैं जो हमारे लिए संकट पैदा कर रहे हैं, उलझा रहे हैं, उनको हटाना है। बार बार कहा, वो क्या है, वही सारी चीजें हैं जिसके बाद ये सब सहूलियतें मिली। और जैसे मैं बताऊं, ESIPF है, जैसे ही कोई व्यक्ति छोटा भी यूनिट खोलता है तो उसको ESIPF लेना पड़ता है। उसमें पहले बोलते थे अपना बैंक अकाउंट खोलो, ये खोलो, वो खोलो, सरकार ने कहा कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको ये दोनों नंबर आसानी से मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको DIPP से लाइसेंस लेना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इससे करप्शन भी इन्हें घट रही है और साथ में ट्रांसपेरेंट भी हो गया और व्यवसायियों को सुविधा भी होनी शुरू हो गई। तो ये जो सुविधा है, हम उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा व्यवसायियों तक पहुंचे। मनोज सर, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगी, लेकिन वो पूछने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। आपके अतीत के पन्ने थोड़े से उलट रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक। मैं मनोज कुमार तिवारी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। Remember this one. बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी लोग इतना प्यार आपको करते हैं, इतना स्नेह आप कहां से जुटाते हैं? अपनी माँ से। हाँ, वो भी एकदम स्नेह की भंडार है। और कभी कभी मेरे घर में जाने के बाद ना 20-25 दोस्त हो जाते हैं, तो मेरी माँ कभी नहीं बोलती कि खाना कम है, वो बस जाएगी और वो बढ़ा लेती है, खाना बना देती है। Very nice. मैंने जीवन में उसके इस भाव को ना बहुत व्यापक रूप से मैंने लिया है कि आप अपना आंचल फैलाने की कोशिश करिए, छोटा नहीं पड़ेगा। Beautiful. मेरी माँ ने मुझे ऐसा सिखाया। बिल्कुल, ये सब मैं देख रहा था, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो रहा था क्योंकि मेरी जीवन यात्रा चल पड़ी है जी। और अभी पीछे में झांकता ही नहीं, ये सब उसके लिए फोटो भी हम दिखाएंगे आपको। मनोज जी, आपके ये जो सपने हैं, बचपन से आपने जो सपने देखे उनमें से बहुत से आपने पूरे किए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे थे कि आप क्रिकेट को बहुत मन से प्यार करते हैं और आप अपने गांव में एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम खोलना भी चाहते हैं। मैंने जीवन में बहुत बार, हम लोगों ने गाँव में एक फुटबॉल को 20-20 बार सिलवा करके खेला है। तब मुझे लगा कि मैं जितना एक फुटबॉल और वॉलीबॉल के लिए तरसा हूँ, आने वाले हमारी पीढ़ी न तरसे। तो मैंने अपने गांव में एक जमीन का हिस्सा खरीद करके उसको सरकार को दे दिया। मैंने बिहार सरकार से प्रार्थना किया है कि जमीन है जी, आप इस पे स्टेडियम बनाओ। तो अभी जब ये सरकार बनी है तो थोड़ा उनका रुझान हमारे प्रति विरोधी का है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी समझें। जी, नहीं भी करेंगे तो मैं स्टेडियम भले न बना सकूं, ग्राउंड तो बना ही दूंगा। यस,
अब फिर बिजनेस आइडिया आएगा जी। हाँ, that is what I was about to ask कि यहाँ पर एक बिग बिजनेस आइडियाज की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब ग्राउंड बन जाएगा तो फिर स्टैंड के बहुत सारे स्पॉन्सर मिल जाएंगे जो अपना अलग अलग स्टैंड बना देंगे। यस, तो फिर स्टेडियम अपने आप बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड है, ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलें। वो सारी प्रक्रिया शुरू है। मैं अगले हमारा 3-4 महीने का और वो हमारा टाइम है जिसमें हम ग्राउंड बना करके तैयार कर देंगे और स्पोर्ट्स एकेडमी हमारी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे गांव से आप एक 300 किलोमीटर का ऐसे लगा दीजिए डायमीटर, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आप रणजी ट्रॉफी का मैच कर सके। जबकि मेरा गांव बौद्ध परिपथ पे है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी को 2-3 बार हमने अपनी बात कही और वो मुझे विश्वास है कि वो कभी भी अच्छे इनिशिएटिव को वो हमेशा स्वीकार करते हैं। He is always ready for the innovative ideas. और वैसे भी दुनिया में हर काम करत अभ्यास का है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा।